का हमारा फ्यूचर का जो दूसरा टेंस बनता है वो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अगर हम पहचान की बात करें तो कि हम कैसे पहचानेंगे कि यह है फ्यूचर कंटीन्यूअस का वाक्य है, तो उसकी पहचान क्या है? यदि हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में ती रहूंगी, ता रहूंगा, ते रहेंगे, इस प्रकार के वाक्य हैं, इनके फ्यूचर को ये इंडिकेट करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार, जैसे मैं लिखता रहूंगा, मैं गाता रहूंगा, मैं सोता रहूंगा, इस प्रकार जो हम फ्यूचर की बात करते हैं कि फ्यूचर में हम उस काम को कंटिन्यू इस प्रकार करेंगे, तो वो वाक्य हमारे कहलाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य। क्लियर इतना? ओके, तो अगे हम करते हैं अब इसकी हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि हमें पता है कि फ्यूचर टेंस जो भी है हमारे, उन सब के अंदर हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो शैल या विल का हम प्रयोग करते हैं। तो इस टेंस के अंदर अगर हम बात करें, हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी वो शैल बी और विल बी, ये हमारी दो हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब। हमने जैसा कल किया था फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर कि शैल का प्रयोग हम कहां करते हैं और विल का प्रयोग हम कहां पर करते हैं, तो वही फॉर्मेट हमें रखना है कि जिन जिन प्रोनाउन के साथ शैल लगना है यहां भी वही लगेगा, और जिनके साथ विल लगता है उनके साथ भी विल हम लगाएंगे। मोस्टली आजकल हम विल का ही प्रयोग करते हैं हर प्रकार के वाक्यों के अंदर। ठीक है, तो वो आप उस प्रकार जो भी वाक्य बनाए उसमें देख लीजिएगा। तो इसकी अगर हम बात करें मेन वर्ब जो है कंटिन्यूअस का, जैसा आपको पता है हम दो कंटिन्यूअस कर चुके हैं, जैसे हमने प्रेजेंट में भी किए हैं और पास्ट में भी किए हैं। अगर फ्यूचर की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूअस के अंदर हमेशा आईएनजी का हम प्रयोग करते हैं, और वो किसके साथ? वर्ब की पहली फॉर्म के साथ। तो इस टेंस के अंदर भी हम मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब कौन सी? अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है इतना? ओके, तो आगे हम करते हैं। जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूं उसको आप नोट करते रहे साथ के साथ, कॉपी के अंदर या अपने नोटबुक के अंदर। उससे क्या होता है कि जो आप एक बार लिख लेते हैं ना, तो वो परमानेंट, मतलब उसकी लर्निंग जो है वो ज्यादा देर तक अपने दिमाग में रहती है, उसको भूला कम जाता है। तो जैसे आप लिखेंगे और जैसे मैं वाक्य बोल रहा हूँ आप उनको भी लिखेंगे, और उनसे अलग जो वाक्य हैं उनकी आप उसको ट्रांसलेशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सिंपल जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसके अंदर पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल बी या विल बी, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी और अदर वर्ड्स। तो हम जैसे पहला सेंटेंस ले लेते हैं हमारा, वह कहानियां लिखता रहेगा। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह, मतलब ही, और इसके बाद क्या लगाते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब शैल बी या विल बी, तो ही के साथ क्या लगाएंगे हम? विल बी। ही विल बी लिखता रहेगा, मतलब राइटिंग, W R I T I N G, he will be writing, और कहानियां मतलब स्टोरीज, और अंत में लगा देंगे हम फुल स्टॉप, तो हमारा सिंपल जो स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट होता है। उसके बाद यदि हम बात करूं नेगेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव मतलब नहीं वाले वाक्य जिनके अंदर मनाही होती है कुछ भी काम करने की, के वह कहानियां नहीं लिखता रहेगा, इनकी वो कहानियां आगे नहीं लिखेगा हमारे लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमने सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना है जो हमारा सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर था, सेल बी और विल बी, उनके बीच में, यानी कि सेल और बी के बीच में लगाना है सिंपल नोट, विल और बी के बीच में लगाना है नोट, यानी कि सेल नोट बी, विल नोट बी, तब ये हमारी हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव सेंटेंस के अंदर यूज होगी। अगर हम वाक्य इसी को देख लेते हैं, ही विल नॉट बी राइटिंग स्टोरीज, और अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। अगर बात करूं मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या करना है, इसके अंदर भी थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या आएगा? जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं हम उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और इसके अंदर क्या करना है हमने, जो हमारा सिंपल सेंटेंस का नियम था, यानी कि सब्जेक्ट शैल बी विल बी वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी और अन्य वर्ड्स, उसमें हमने क्या करना है कि शैल या विल को हम आगे ले लेते हैं, बाकी हमारा सेम सेंटेंस रहेगा, और पीछे हम
क्या लगाएंगे उसके क्वेश्चन मार्क, क्या कैसे सेल और विल को शुरू में, फिर सब्जेक्ट रहेगा हमारा सेम, फिर क्या आएगा बी वर्ब की पहली फॉर्म आई एन जी, अदर ऑब्जेक्ट्स, और लास्ट में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। जैसे ये वाक्य हमारा सिंपल सेंटेंस है, ही विल बी राइटिंग स्टोरीज, क्या वह कहानियां लिखता रहेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विल ही बी राइटिंग स्टोरीज, और अंत में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क, क्लियर। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब, और साथ में है नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव भी और नेगेटिव सेंटेंस भी है, ये प्रश्नवाचक भी और नकारात्मक वाक्य भी। इसके अंदर क्या करेंगे हम, नेगेटिव सेंटेंस का नियम याद रखो बस, नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या लगा था, सेल नॉट बी विल नॉट बी यही लगा था। इसमें हमने क्या कर देना है कि सेल और विल को आगे रखो, फिर क्या होएगा सब्जेक्ट उसके बाद आएगा, और नॉट यहीं पे हमारा रहेगा, यानी कि पहले सेल और विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी वर्ब की पहली फॉर्म आता है यहाँ जी, और उसके बाद अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्लियर। हम ये वाक्य एक बार कन्वर्ट कर दे लेते हैं, विल ही नॉट बी राइटिंग स्टोरीज, अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, क्लियर। एक्सरसाइज में हम चार सेंटेंस हमने लिए हैं, तुम गायों को खिलाते रहोगे, हम लोग झगड़ते नहीं रहेंगे, क्या मोहन व्यायाम करता रहेगा, और क्या हम पढ़ाते नहीं रहेंगे। ये चार सेंटेंस है, लेकिन हम इन सेंटेंस के चारों के 16 सेंटेंस बना सकते हैं। 16 सेंटेंस कैसे बनाएंगे वो आपने करना है, मैं एक का उदाहरण दे देता हूं, ठीक है। कोई भी इसमें से हम वाक्य ले लेते हैं, जैसे पहला ही सेंटेंस ले लेते हैं, तुम गायों को खिलाते रहोगे, यू विल बी फीडिंग द काउज। अब इस जो सेंटेंस में हमने इसका सिंपल फॉर्मेट लिया है कि पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद पहली फॉर्म के साथ आई एन जी है, फिर ऑब्जेक्ट है, तो अदर वर्ड्स वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आई एन जी उसके बाद में आती है। अब इसी टेंस का अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करूं इस सेंटेंस को, तो क्या बनेगा, यू विल नॉट बी फीडिंग द काउज। और इसी सेंटेंस का अगर मैं इंटरोगेटिव बनाता हूं, विल यू बी फीडिंग द काउज, और लास्ट में क्या लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, तीन हो गए। फोर्थ क्या बनेगा, इंटरोगेटिव और नेगेटिव, विल यू Not be feeding the cows, और पीछे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो एक वाक्य के हमने कितने बना दिए, चार, तो चार इसके बनेंगे, चार ही इसके बनेंगे, चार ही इसके बनेंगे, और चार ही इसके बनेंगे, टोटल सेंटेंस वो बनते हैं 16। आपने ट्राई करना है, जो सेकंड है, हम लोग झगड़ते नहीं रहेंगे, we shall not be quarreling, तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस मैंने बनाया है, आप इसका सिंपल सेंटेंस बनाए, आप इसका इंटरोगेटिव बनाए, और आप इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाए, कोशिश करें। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो वीडियो को बार बार देखें, जो उसके नियम है वो आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएंगे, तो इन वाक्यों को आप बना पाओगे। तीसरा जो सेंटेंस है, क्या मोहन व्यायाम करता रहेगा, यहाँ पे हमने ये इंटरोगेटिव वाक्य लिया है, इसका आपने सिंपल बनाना है, नेगेटिव बनाना है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, ठीक है। विल मोहन बी टेकिंग एक्सरसाइज, क्या मोहन एक्सरसाइज करता रहेगा। जो लास्ट का हमारा सेंटेंस है, क्या हम पढ़ाते नहीं रहेंगे, सेल वी नोट बी टीचिंग, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है, इसलिए आपका इंटरोगेटिव बनाना है, इसी का आपका नेगेटिव बनाना है, और इसी का आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो चार इसके हो गए, ठीक है। एक जो हम वाक्य करते हैं, अब इसमें शब्द आया है कैसे, जो हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस किए थे उनमें हमें शब्द मिलता है क्या क्या, और वो भी वाक्य के शुरू में, बट यहां पर स्टार्टिंग नंबर से है, सब्जेक्ट से है, बीच में शब्द क्या कैसे क्यों कब, यानी कि हम इनको बोलते हैं
WH words, ठीक है? WH words के हमने चार सीरीज बना रखी हैं, आप चाहो तो उनको भी अपनी प्लेलिस्ट में आप उनको जाके देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है इंग्लिश ग्रामर, उसके अंदर हमने सारी वीडियो डाली हुई है, आप वहां पर इनको चेक करेंगे। तो इस प्रकार के जो वाक्य है इसके अंत में भी क्वेश्चन मार्क आते हैं, इनको बोलते हैं हम WH के सेंटेंस। तो इसमें क्या करेंगे हम, जो हमारा ये शब्द आया है WH का वर्ड्स, क्यों, क्या, कैसे, किस तरह है, ठीक है, किसके द्वारा, कौन, इस प्रकार के वाक्य को हम सबसे पहले लिखते हैं। हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में आप मतलब यू के साथ क्या लगाते हैं हम, विल, हाउ विल यू बी सिंगिंग, और अंत में क्या लगा देंगे हम, क्वेश्चन मार्क, आप कैसे गाते रहेंगे, आप कब तक गाते रहेंगे, आप क्यों गाते रहेंगे, इस प्रकार के जो वाक्य बनेंगे उनके हम शुरू में WH का जो हमारा वर्ड है उसको पहले लगा देंगे, उसके बाद हमारा जो इंटरोगेटिव का नियम है उसको हम फॉलो करेंगे। तो इस प्रकार जो हमारे WH के सेंटेंस भी बन जाते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही, कल हम मिलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो उसके बाद का हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट, तो उसके साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।